इस वीडियो में अपन देखेंगे कमेंट्स, ठीक है। ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा। तो कमेंट इसमें सी, सी प्लस प्लस और जावा की तरह ही है। अगर सिंगल लाइन है तो हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीपल लाइन है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्लैश, स्टार और फिर लाइंस होंगे, ठीक है, जितने भी लाइंस है, और उसके एंड में हमें यूज़ करना है फिर स्टार और स्लैश, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टार आएगा और यहाँ पे पहले स्लैश आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन कमेंट, और ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अभी इसको देखते हैं अपन इसमें अपने प्लेग्राउंड में, तो प्लेग्राउंड में कैसे दिखता है। तो यहाँ पे मैं वही अपना एग्जांपल लेता हूँ, पहले लास्ट जिसमें छोड़े थे। तो अगर मुझे ये फर्स्ट लाइन इसको कमेंट करना है, इसकी यूज ही नहीं होगी सपोज, तो मैं क्या करूँगा, इसको दो स्लैश दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से, अगर मैंने उल्टा स्लैश दिया, ये देखो ये वाला, ये चलता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन सा देना है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश नहीं देना है, ठीक है। और अगर मुझे मल्टीपल लाइन अगर करनी होती, जैसे लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, तो लाइन नंबर 1 तो हो गया फन मेन, ठीक है, फंक्शन मेन। तो लाइन नंबर 2 से अपन मुझे कमेंट करनी है लाइन नंबर 3 तक, तो मैं यहाँ पे स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और यहाँ पे स्टार और स्लैश, देखा। तो ये दो लाइन कमेंट हो गए। अभी कमेंट यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोड बनाना है, ठीक है, अपन अगर कोडिंग लिख रहे हैं, तो हमें ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो कि कुछ महीनों बाद या फिर सालों बाद अगर अपन खुद देखे, या फिर अगले ही दिन कोई अपना टीम मेंबर या फिर कोई और देखना चाहे, तो उसको समझना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्या है, और इस लाइन में क्या होता है, इस फंक्शन में क्या होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, बी को मैं कर देता हूँ एक इंटीजर, और यहाँ पे फिर टू इंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से इंटीजर है। तो मैं इस फंक्शन के आगे यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा सिंगल लाइन, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये पढ़ के रीडर को समझ जाएगा कि इस फंक्शन में होने के वाला है, बस दो वेरिएबल का एडिशन होने वाला है, ठीक है। प्रिंट एलन सी कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इस लाइन में लिख दूंगा कि इन दिस लाइन वी स्टोर द एडिशन वैल्यू टू वेरिएबल सी, ठीक है। ऐसे आप कमेंट करके लिख सकते हो अपने ही फ्यूचर के लिए, खुद के ही फ्यूचर के लिए, ताकि अगले कुछ सालों के बाद अगर वापस आके इस कोड को देखे, समझने चाहे, तो अपन सिर्फ डायरेक्ट कमेंट पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कमेंट। एक और चीज़, अगर मैं बी को यहाँ पे कमेंट कर दूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसने बी लिया है, तो क्या वो बी की वैल्यू लेगा यहाँ से, ए की तो ले लेगा, चलो ए तो है उसके पास 55। तो देखते हैं अपन रन करके, देखते हैं कि नहीं, वो बोलता है अनरिजॉल्व रेफरेंस, मतलब वो बोलता है कि बी ऐसा कोई है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है, है ना, यूनिवर्स में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके उसके यूनिवर्स में बी है ही नहीं। तो बी को अपने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ये मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और उसको डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। तो ये देखो अभी 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 वो रन हो रहा है ना। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ और इसको बोलूँ प्रिंट एल एन सी, सी तो है ही नहीं उसके लिए, तो वो फिर से बोलेगा अनरिजॉल्व है भाई, है ना। तो मैं सी है ही नहीं, पता ही नहीं क्या प्रिंट करूँ फिर मैं ऐसे। तो हमें वेरिएबल या सॉरी कमेंट को सही से इस्तेमाल करने के लिए सीखना, बस।